हाँ हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त, है ना? ठीक है, होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम हंसी खुशी बस रहे होंगे। तो मैं हूँ आपका अपना केवी सर, ठीक है, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले दो लेक्चर लगा चुके हैं। पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, ये जो क्लासेस हैं स्पेशली ये क्लास टेंथ के लिए हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि आपका जो रोड मैप है वो क्या है, कैसे तैयारी करनी है आप बच्चों ने, कैसे आपने पहुंचना है मार्च वाले उस पड़ाव के ऊपर ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ना है, कितना सिलेबस कब तक कवर करना है, इसके बारे में चर्चा हमने पहले लेक्चर के अंदर कर ली थी। हम अब आप पहुँचे थे सेकंड लेक्चर के ऊपर। सेकंड लेक्चर के ऊपर हमने स्टार्ट किया था हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक। प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो था उसके बारे में हमने बहुत सी चर्चा की, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले तो ये चर्चा की थी चैप्टर कौन सा है, कितने मार्क्स का आता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रोबेबिलिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। हाँ, रेंज याद होगी आपको, 0 से 1 के बीच में होती है, 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। हमने इवेंट्स के बारे में जाना था और हमने टोटल फेवरेबल आउटकम्स और किसी भी इवेंट के लिए और टोटल पॉसिबल आउटकम्स उनके बारे में भी बात कर ली थी हमने। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने होते हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। हमने पता लगाया था, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम उन चीज़ों को। टोटल जो हम निकाल रहे थे पॉसिबल आउटकम्स वो क्या क्या हो सकते हैं, मैं फटाफट से यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ आपको। टोटल पॉसिबल आउटकम्स किसके अंदर, अगर हम क्या करते हैं किसी एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो कितने होने वाले, 2 हो रहे थे हमारे पास, हेड या टेल आने वाला था, ठीक है। उसी के बाद में हम टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट कर रहे थे टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को टॉस करने पे कितना आ रहा था हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ग्रिड बना करके देखी थी हमने, HT, TH, HH, TT, तो कहने का मतलब टोटल ये 4 हो रहे थे, वो कौन से थे, या तो डबल हेड होगा सर, या हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर डबल टेल, हमारे पास ये होने वाले थे। इसके बाद में हमने आगे चर्चा की थी, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे पता चलता चला जा रहा था हमारे पास 3 कॉइन को भी टॉस कर सकते हैं। क्या था टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को अगर हम टॉस करते थे तो हमारे पास जो बनने वाले टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे वो थे 8। कौन कौन से, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम, फिर भी एक बार के लिए फटाफट से बता देते हैं। ट्रिपल एच आ सकता था, HH, और तीसरी बार टेल आ सकता था, दूसरी बार टेल आ सकता था, और पहली बार भी टेल आके बाकी हेड हो सकते थे। तीनों टेल आ सकते हैं, 2 टेल के साथ एक हेड हो सकता है, 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल हो सकता है हमारे पास में, और 1 हेड और फिर 2 टेल हो सकते हैं। ये 8 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते आ रहे थे, ठीक है। और आगे पहुंचते हैं, हमने ये तो कॉइन्स से रिलेटेड बातें कर ली थी हमने, ये सारी की सारी किससे रिलेटेड थी, कॉइन्स 1 है, 2 है या 3 है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी हमारी, सॉरी। इसके बाद में हमने चर्चा की थी डाइस के बारे में। डाइस अगर टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल रहे हैं, कोई एक डाई है हमारे पास में, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो रहे थे, पता ही है सर, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 5 या फिर 6। उसके बाद हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कर रहे थे कि किसके लिए 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दिया जा रहा था तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम आ रहे थे। हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम आ रहे थे बच्चा लोग वो थे टोटल 36। मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला, बस एग्जांपल के लिए, वैसे भी नहीं लिखने वाला, बस ठीक है 1 1 नहीं लिखेंगे भाई, बहुत बड़ा है ये, आप जानते हैं उसके बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर जो लास्ट टॉपिक अपनों ने किया था वो यही किया था, ठीक है। इसके बाद में डाइस के बाद में हमने क्या पता लगाया था कि इस डाइस हो चुकी थी हमारे, कॉइंस हो चुके थे हमारे, उसके बाद में हम आज पता लगाने वाले हैं कि हमारे पास कुछ और सर्टेन जैसे की चीज़ें हैं। जैसे कि आज हम पता लगाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब हम डेक ऑफ कार्ड्स को लेकर चलते हैं तो क्या हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। हम आज बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, बहुत से बच्चों इन चीज़ों से परिचित होंगे, इनके बारे में जानते होंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम अगर निकालते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं वही उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा समझना होगा कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास,
तो टोटल जो कार्ड्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं 52। उसको किस तरह से बांटा गया है उसके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी टेबल बनाने वाला हूँ, जिसको देख करके आपको हमेशा याद रहेगा कि जो 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, क्या उनका नाम होता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आए हम उसे आराम से कर लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी। अब आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन प्लेइंग कार्ड्स। जब प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहिए बच्चा लोग। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन प्लेइंग कार्ड्स कितने होने वाले हैं हमारे पास में। चलिए हम पता लगाते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स बच्चे क्या होते हैं हमारे पास में जब हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं, फटाफट से इसको ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं और कौन कौन से कलर के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो फटाफट से हम बात करें तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं उसके बारे में एक बार के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। टोटल कार्ड्स कितने हो रहे हैं उसके बारे में एक बार नहीं लिख रहे, लेकिन ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि कार्ड्स होते कितने टाइप के हमारे पास। देखते जाइएगा, एक फटाफट से इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं अपने। ठीक है, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं अपने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब कि कौन कौन से कार्ड कैसे कैसे होते हैं हमारे पास में, कितने होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, कार्ड्स हमारे पास दो कलर के हमारे पास अवेलेबल होते हैं बच्चा लोग। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास में रेड कलर के कार्ड और एक हमारे पास होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड। दो तरह के कार्ड्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो कार्ड मिलकर के आते हैं हमारे पास वो ये होते हैं कि जो हमारे रेड कलर के कार्ड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये भी दो तरह के होंगे रेड कलर के जो कार्ड्स हैं हमारे पास। और ब्लैक कलर के कार्ड्स के बारे में अगर बात करते हैं, इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में भी हम यहाँ पे लिखने वाले कंप्लीट करेंगे इस पूरी टेबल को। ठीक है, अगर मन के अंदर इनकी इमेज बन गई है, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो ये ही बनता है कार्ड्स वाला, या और भी क्वेश्चन हैं अपने पास, लेकिन एक चांस ये भी है कि कार्ड्स वाले क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से करें अपने, अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कार्ड्स के बारे में सब कुछ पता है और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जिनको कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके बारे में भी पता लगाते हैं। देखिए, रेड कलर के जो कार्ड हमारे पास होते हैं उनके अंदर देखो कुछ थोड़ा सा याद आता होगा आपको कि क्या होता है। कुछ होता है कि आपके पास में ऐसा कार्ड होता है, ठीक है, इस कलर का, ऐसे इस कार्ड को हम बोलते हैं हार्ट। आगे बात समझ में, हार्ट के कार्ड होते हैं। उसके बाद में जो दूसरे हमारे पास कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पास ये वाले। देखो इसको आप देखो अपनी भाषा में बोलो तो इसको पान बोलते हैं, लेकिन पान नहीं बोलेंगे इंग्लिश के अंदर अपने, ये होता है हर्ड होता है बच्चा लोग। इसके बाद में जो दूसरा कार्ड हमने बनाया जिस शेप का होता है जिसको आप ईंट बोलते हो, तो यहाँ पे ब्रिक नहीं होता बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ईंट तो हम वैसे ही बोल देते हैं, वैसे ये कार्ड होता है, ये होता है हमारे पास डायमंड का कार्ड। इसी तरह से ब्लैक कलर के कार्ड्स की बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा कार्ड होता है, एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड होता है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, जिसको आप हुक्म के नाम से जानते हैं ना, हुक्म नहीं बोलेंगे अपने, जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है स्पेड, कार्ड ऑफ स्पेड बोला जाता है इसको। इसके बाद में जो चौथा कार्ड हमारे पास अवेलेबल होता है प्लेइंग कार्ड्स के अंदर उसको हम बोलते हैं क्लब, जिसको अपने जनरल लैंग्वेज के अंदर किस नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, यस बिल्कुल आपकी बात सही है, चिड़ी है ना, तो चिड़ी नहीं, इसको हम बोलते हैं क्लब। इन बातों का ध्यान रखना था। तो ये हमारे पास टोटल कार्ड्स आ चुके हैं, अब इनकी काउंटिंग करेंगे अपने, लेकिन सबसे पहले इनके अंदर क्या होता है उनके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, कहने का मतलब हर्ड के कार्ड की बात करें हमारे पास, तो बच्चा जी सबसे पहले इसके अंदर एक कार्ड जो होता है, मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, और प्रैक्टिकली आप चाहो तो बाजार से 10 रुपये की ताश की गड्डी ला करके उसके अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले जो कार्ड होता है वो होता है ए, ठीक है, जिसके बीच में एक ये वाली शेप बनी होगी बिल्कुल रेड कलर की, ठीक है। सेम कार्ड ऐसा यहाँ पे होता है ए, ए का नाम क्या होता है अभी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ एक मिनट के अंदर ही, जिसकी शेप अंदर कुछ ऐसी बनी होती है। इसी तरह से जो ए होता है वो इस वाली साइड के अंदर भी मिलता है आपको, ये देखिए ऐसा, और ये सबसे सुंदर कार्ड होता है भैया हमारे पूरे के पूरे 52 कार्ड्स में से, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये भी होता है हमारे पास ए। इसी के साथ क्लब के अंदर भी ऐसा एक कार्ड पाया जाता है, ठीक है, ये भी होता है ए। इस तरह से हमारे पास 4 कार्ड होते हैं, इन सबको बोलते हैं एस, इक्का बोलते हो जिसे आप एस, ये सारे के सारे क्या हैं, एस है, ये का मतलब एस, ठीक है। हुकुम का इक्का मीन टू से एस ऑफ स्पेड, आ रही बात समझ में, आपको बोल दे ईंट का इक्का तो कहने का मतलब हमारे पास वो क्या होता है, ईंट का इक्का हिंदी में लिखा था, हम इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हैं तो हम ऐसी बातें नहीं करते, हम इसको बोलते हैं एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हर्ट, एस ऑफ स्पीड, एस ऑफ क्लब, आगे बात समझ में। इसी तरह से आपने देखा होगा कि नंबर कार्ड्स पाए जाते हैं इसके बाद में जब बात करते हैं, तो रेड कलर के और कार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसके बाद में आता है फिर 2, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे 2 बने होंगे बेटा जी पंखुड़ियाँ सी इसकी, ठीक है, इसके ये हो गया 2 ऑफ रेड, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आगे चलते जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के कार्ड होते हैं हमारे पास टोटल, ये होते हैं हमारे पास 10 तक, ठीक है। यहाँ पे इसके जो 10 यहाँ पे जो बनने वाले हैं हार्ट का साइन वो आप बना सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी क्या होगा 2 ऑफ डायमंड, और धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच जाएंगे किसके ऊपर, नंबर्स के अंदर 10 के ऊपर। इसी तरह से हम स्पेड के अंदर बात करें तो सेम कार्ड हमारे पास स्पेड के अंदर होते हैं, स्पेड का भी 2 होता होगा, और ऐसे चलते चलते हमारे पास स्पेड का 10 भी आएगा, ठीक है, 10 ऑफ स्पेड। इसके बाद क्लब की बात करें तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, और उसके बाद में आगे चलते चलते ऐसे ही हमारे पास 10 ऑफ क्लब होने वाला है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यह है 10 ऑफ क्लब, ये है 10 ऑफ स्पेड, ये है हमारे पास 10 ऑफ डायमंड, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर डायमंड है पता लग रहा है, और ये है 10 ऑफ हर्ट। इस तरह से इनके बारे में बात हो चुकी है, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि आगे देखेंगे तो कुछ ऐसे कार्ड्स भी होते हैं जिनके ऊपर किसी का फेस बना होता है, जैसे कि जे, सपोज कीजिए ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको बोलेंगे अपने जैक, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे पाया जाएगा अपने जो कार्ड होगा वो होगी क्वीन, इसको कुछ मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, किस तरह से सपोज करो कि इस तरह से मतलब बाल से हो गए इसके, मतलब ये क्वीन हो गई, ठीक है, इसको बोल देंगे अपनी क्वीन। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट जो कार्ड होगा इसी रेड कलर का हार्ट के अंदर, उसको हम अपने नाम दे देते हैं किंग, इसको कुछ दिखा मैं ऐसे देता हूँ, मतलब सिर के ऊपर ताज सा बना हुआ है, ये किंग हो गया हमारे पास। ये सभी कार्ड इधर वाली साइड के अंदर भी पाए जाएंगे, होंगे हमारे पास पाए क्या जाएंगे, ठीक है, जैक, लेकिन ये जैक होगा किसका, डायमंड का, यहाँ पे डायमंड बने होंगे, बस ध्यान रख लेना इसमें, और इस वाले में क्या बने होंगे, हर्ट बने होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, क्वीन और ये वाला किंग था। इसी तरह से इधर वाली साइड में भी एक कार्ड बना होगा जो कि कैसा होगा, हमारे पास क्वीन होगी, और क्वीन अभी अभी हमने बनाई कि कुछ इस तरह से हमने बनाई है, और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होने वाला है किंग, के फॉर किंग, के फॉर किंग बना देंगे अपने यहाँ पे, और ये किंग के सिर के ऊपर ताज, ये है हमारे पास किंग ऑफ डायमंड, ये है क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है, और ये है हमारे पास जैक, ठीक है, गुलाम, जैक ऑफ डायमंड। इसी तरह से हम बात करें स्पेड के कार्ड्स की, तो स्पेड के कार्ड्स भी हमको दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, जैक ऑफ स्पेड होगा हमारे पास, क्वीन ऑफ स्पेड होने वाली है हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास में किंग ऑफ स्पेड होने वाला है, किंग ऑफ स्पेड, ठीक है, किंग ऑफ स्पेड, ये है हमारे पास किंग, ये है क्वीन, और ये है हमारे पास जैक। आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने इधर वाली साइड में आते हैं तो सेम ऐसे कार्ड यहाँ पर भी तो देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा अपने को जैक,
एक मिलेगी अपने को क्वीन और एक मिलेगा अपने को किंग। ठीक है, वापस इसके डायग्राम जैसे भी हैं, फेस बने होते बेटा इसके ऊपर, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं अपनी, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए तो ठीक है। और ये है, तो ये वाले हमारे पास किंग, ये है हमारे पास जैक ऑफ क्लब, ये है क्वीन ऑफ क्लब, और ये है हमारे पास किंग ऑफ क्लब। दोबारा बात करते हैं, ये है क्वीन ऑफ हर्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब। क्या थी ये? क्वीन ऑफ डायमंड, और ये क्या थी? क्वीन ऑफ हर्ट। हर्ट मतलब दिल, क्वीन मतलब रानी, दिल की रानी। ठीक है, क्वीन ऑफ हर्ट होती है हमारे पास ये। ठीक है, अगर हम इसको फटाफट से काउंट करके देखें कि कितने हमारे पास कार्ड हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वीडियो में टेबल टेडी नज़र आ रही है लेकिन सामने नहीं है, कहने का मतलब कैमरा सेटअप जो वो छोटा टेढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, अब चेक करते हैं, देखो कार्ड कितने होने वाले हैं। देखो एक को अगर वन मान ली जाए, सपोज करो पहला कार्ड ये, फिर टू से काउंटिंग हो रही है, कहने का मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है, टोटल टेन। दस कार्ड तो ये वाले हो चुके हैं हमारे पास यहाँ तक, ए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन तो ये हो गए। उसके बाद में एक जैक, क्वीन और किंग, तो मतलब ये तीन कार्ड और हो गए। कहने का मतलब हर्ट के जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो हो गए हैं 13। इसी तरह से डायमंड के भी कितने होंगे? 13। स्पेड के भी कितने होंगे? 13। एंड क्लब के भी कितने कार्ड होंगे? 13। ठीक है, अगर अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो हमको पता है कि क्या पान के 13 पत्ते होते हैं, हमारे पास ईंट के 13 होते हैं, हमारे पास हुक्म के 13 होते हैं, और चिड़ी के भी 13 होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर इसमें बात करें तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ हर्ट, 13 ऑफ डायमंड, 13 ऑफ स्पेड एंड 13 ऑफ क्लब। चेक करो रेड कलर के कितने हो गए, 13 प्लस 13 टोटल रेड कलर के कार्ड कितने हो चुके हैं? 26। 13 प्लस 13 ब्लैक कलर के कार्ड कितने हो चुके हैं बेटा जी? 26। और ये दोनों मिलकर ही तो टोटल कार्ड्स बना रहे थे, ब्लैक और रेड। कहने का मतलब 26 प्लस 26 कहने का मतलब 52 हो गए हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स। किसी बच्चे की क्वेरी अगर ये है कि सर जोकर भी तो होता है इसके अंदर, तो उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे साथ में, तो जोकर को अपने कभी काउंट नहीं करते हम, ये 52 स्टैंडर्ड कार्ड्स के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए कि हमारे पास अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर कार्ड्स, तो हम देखेंगे ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं। तो ब्लैक कलर के कार्ड्स तो सर 13 प्लस 13 26 हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 52। तो 26 बाई 52 मीन टू से 1/2, 50% चांसेस है कि अब ताश की गड्डी के अंदर से, डेक ऑफ कार्ड के अंदर से अगर आप ड्रॉ करो कार्ड को और ब्लैक कलर का कार्ड आए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास बच्चा लोग वो है 1/2, 50%। समझ में आ गई होगी बात। ये मेरे से पूछ लिया जाए कि क्वीन ऑफ हर्ट के आने के चांसेस कितने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड के अंदर। वेल शफल डेक ऑफ कार्ड का मतलब क्या पता नहीं, तो आप बच्चे क्या बोलते हो उसको, फीस मारना, शफल करना, कि यहाँ से निकालो ऊपर रख दिया, फिर ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे नए नए डिज़ाइन के साथ कर लेते हैं, तो वही है। उसने पूछा क्वीन ऑफ हर्ट, क्वीन ऑफ हर्ट के बाद अगर वो क्वीन पूछता तो मैं बोलता सर क्वीन चार होती हैं, कौन सी चाहिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली या फिर ये वाली, लेकिन उसने स्पेसिफाइड कर दिया कि क्वीन ऑफ हर्ट चाहिए उसको। क्वीन ऑफ हर्ट हमारे पास कितनी है? ओनली वन। क्वीन तो चार हैं लेकिन क्वीन ऑफ हर्ट कितनी है? एक। स्पेसिफाइड कर दिया उसने कि मेरे को क्वीन चाहिए, वो भी कौन सी? हर्ट की। मुझे तो रानी चाहिए, वो भी कौन सी? दिल की। दिल की रानी एक ही और दिल का राजा भी एक। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे अपने, तो वन होते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो क्वीन ऑफ हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग क्वीन ऑफ हर्ट। ठीक है, आई थिंक आ रहा होगा फोकस में, ठीक है फ्रेम में आ रहा है। क्वीन ऑफ हर्ट निकालना है हमारे पास, तो क्वीन ऑफ हर्ट कितनी होती हैं? फेवर के अंदर एक होती है और टोटल सारी हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम 52, तो ये इसका आंसर होने वाला है। 1/52 जो है वो प्रोबेबिलिटी है एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड के अंदर में अंदर से क्वीन ऑफ हर्ट निकालने की। आ रही बात समझ में? अगर वो मेरे को कहते स्पेड के आने की कितनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, ठीक है, तो स्पेड के कार्ड कितने होते हैं पहले पता तो लगा लो, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13। तो ये लो जी 13 आउट ऑफ कितने में से? 52। 13 4 1/4 इसका आंसर आ गया। अगर मेरे को बोल दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड,
रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड सर 13 + 13, ये देखो रेड कलर के कार्ड 26 होते हैं, 13 और 13 मिलके बनते हैं, तो ये हो जाएगा 26/52, इसका भी आंसर आएगा 1/2। ध्यान रखना कभी भी प्रोबेबिलिटी को एक से ज़्यादा ना कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ में एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी जनरल फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास, मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकते हैं, चलो उधर ही करते हैं। देखो वो ये है, किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट मान लेते हैं ए है, ठीक है, और ना होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं PA बार, लिखने का तरीका है, ठीक है। इन दोनों का जब ऐड करते हैं तो हमेशा होता है 1, ध्यान रख लेना इस बात का। यानी कि कभी भी मेरे को बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसी भी इवेंट के ना होने की, तो ये 1 है, ये होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, पहले लेक्चर के अंदर बताना चाहिए था लेकिन नहीं, वहाँ स्किप हो गई थी बात, तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात समझ में अच्छे से, कैसे अगर मेरे को मान ले कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट रेड, रेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऊपर बार लगा दूंगा मैं बेटा जी, और कुछ नहीं करने वाला, रेड नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस रेड होने की प्रोबेबिलिटी को इसमें से माइनस कर देंगे। 1 हमारे पास है माइनस रेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 1/2, माइनस करेंगे तो ये वापस से कितना आने वाला है हमारे पास, एक में से आधा जाएगा तो बेटा आधा ही बचेगा, कहने का मतलब ये हमारे पास होने वाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग रेड। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको चर्चा करनी थी, ये हमारे बेसिक्स कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम हमें पहले से पता होते हैं, ठीक है। अगर एक बात बताइए कि मेरे को बताया कि लोगों ने मेरे को किसी ने मुझे कार्ड दिया, कार्ड्स दिए बहुत सारे, उसके ऊपर नंबर लिखे हैं 3, 5, 7, ऐसे करते करते 37 तक हैं, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ी ना पता टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, मैं तो फाइंड आउट करूँगा ना पहले उसमें से कितने हैं पहले काउंट करके, लेकिन इनमें नहीं है, इनमें अपने को पहले से पता है। जब एक बार अपने किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। अगर हम क्या करेंगे, दूसरी बात हम चेक करेंगे कि मान लीजिए कि 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो 2 कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं 4, ठीक है। सब चीज़ें पढ़ चुके हैं अपने, अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे। आई थिंक नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपने बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पूरे 2 लेक्चर्स को सुना है अभी तक जितने हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, ज़्यादा वक्त नहीं ख़राब करेंगे, आगे पहुँचते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नोटबुक के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में नोट्स बनाने के काम में आएगा। चलिए बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स ऐसा नहीं है कि आपको बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 दे दिया सर ये करते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ऐसा करने के लिए तो आपके पास गाइड अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ले आइए वहाँ से दिख जाएगा आप सभी को। अपने को अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं तो हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, उसी हिसाब से ही आगे चलेंगे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने एक इवेंट को उठा लिया है, अब उस इवेंट से बनने वाले जो पॉसिबल कितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चंस आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चे ध्यान से, अभी क्वेश्चन होने स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी से सीरियस हो जाना, ठीक है। देखो क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर और कैसे सॉल्यूशन है, कैसे कॉपी के अंदर लिखना है उसके बारे में बात करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो लिखने का वे जो होता है वो कुछ ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपका इवेंट क्या है, ताकि आपके एग्जामिनर को ना कुछ बताने की जरूरत ना पड़े कहीं पर भी किसी भी चीज़ की, क्या इवेंट है हम कर रहे हैं, क्या टॉसिंग कर रहे हैं एक कॉइन की। एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हमारे पास में फटाफट से लिख दीजिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होने वाले हमारे पास में, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास होने वाले, चलो मान लीजिए कि इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, एम से, किसी से भी डिनोट कर दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास एक कॉइन को टॉस करने पे होते हैं 2, और वो होते हैं या तो हेड सर या होता है
टेल, इन दोनों में से दो ही होते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हम निकालते हैं टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स। कहने का मतलब हमको जो चीज़ चाहिए वो कितनी, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन से मिलती है वो चीज़, फेवर वाले आउटकम है वो हमें क्वेश्चन से क्या चाहिए उसको, हेड। इन दोनों में हेड कितने हैं, एक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन। हमारे पास एक ही तो है फेवर के अंदर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड लिख लो फटाफट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ पी एच से। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा जी, पी एच का मतलब वो अपनी तो आपकी वो केमिस्ट्री वाली पी एच नहीं है, ठीक है, ठीक है। पी एच मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये हमको फाइंड आउट करनी है। और जहाँ भी फॉर्मूला लिखेंगे तो हम वहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मान लेते हैं, या प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास में क्या, टोटल कौन कौन से फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आप यहाँ पे पूरा लिखिए, चलो मैं साथ में लिख देता हूँ आपको, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आगे होगी बात समझ में, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको फेवर बाय ये एन बाय एम भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा सा बिना किसी नोटेशन के दिखा रहे हैं। फेवर में कितने हैं, वन, और पॉसिबल कितने हैं, टू। तो कहने का मतलब क्या होने वाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी होने वाली है हमारे पास, वन बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन हो जाएगा, अपनी नोटबुक के बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर लिख दीजिएगा आप सॉल्यूशन। आगे होगी बात समझ में, ध्यान रखना आपकी कॉपी का ये मार्जिन लाइन है, ठीक है। इस मार्जिन लाइन के आपको चिपका करके जो चीज़ लिखनी है, ये पैराग्राफ चेंज करके कुछ ऐसे, कोशिश कीजिए कि इक्वल के जो साइन है ये तीनों एक साथ बराबर एकदम इक्वल पैरेलल के अंदर आएं, ताकि दिखने के अंदर अच्छा हो, और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक जो अपने दिमाग के अंदर चलनी चाहिए जब हम क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो वो ये है, देखो ध्यान रखो, देखो मन के अंदर चलनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। थोड़ा जुगाड़ भी तो लगाते हैं अपने, मन के अंदर क्या चलना चाहिए वो ये कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, चाहे कुछ भी करने की, तो कुछ कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि सारे कितने हैं, सारे हैं कितने, उसको तो लिख लो नीचे, उन सारों में से जो चाहिए वो कितने हैं, सारे मतलब सभी, सभी में से जो चाहिए वो कितने हैं, उनके नंबर लिखने होते हैं हमको, थोड़ा सा मन में, मन के अंदर करने वाली बात है ये, यहाँ पे लिखने की बात भी नहीं थी, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन मन के अंदर हिंदी चल रही होगी, है ना। कहने का मतलब सारे हैं कितने, तो सारे तो दो हैं, उनमें से जो मेरे को चाहिए यानी कि हेड वो कितने हैं, वन, तो वन बाय टू, जो चाहिए वो नीचे की साइड के अंदर आएगा, जो चाहिए आपको वो ऊपर की साइड के अंदर रखेंगे न्यूमरेटर के अंदर, और जो हमारे पास टोटल, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं यानी कि सारे कितने हैं, उनको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है जो मन के अंदर चलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होता। आगे बात समझ में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, हम आगे चलते हैं, क्लियर। चलो आगे वाला क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे अपने, तो इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बोथ टाइम्स, दोनों बार टेल आना चाहिए, टेल बोथ टाइम्स का मतलब दोनों बार टेल आना चाहिए, किल और इवेंट के हमारे पास टॉसिंग टू कॉइंस, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है हमारे पास, फटाफट से क्या हो जाएगा, इवेंट के बारे में लिख दीजिए, इवेंट हमारे पास में है क्या, टॉसिंग टू कॉइंस, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले इस इवेंट के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने होते हैं बच्चा लोग, वो होते हैं हमारे पास में फोर, क्योंकि कितने कॉइंस हैं, दो कॉइंस हैं। क्या क्या होते हैं, डबल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हो सकता है, या डबल टेल हो सकता है,
ये चार हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। फेवर के अंदर आउटकम्स कितने हैं? टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमको क्या चाहिए? दोनों टाइम टेल चाहिए। देखो सारे है कितने? चार। उनमें से जो अपने को चाहिए वो कितने? अपने को डबल टेल चाहिए, वो कितने हैं? एक ही तो है, कहने का मतलब वन। क्या वो भी क्या है? डबल टेल है। आ रही है बात समझ में? तो हमारे को क्या निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखे यहां पे, टेल बोथ टाइम, यानी कि पी डबल टी लिख देता हूं यहां पे, ये फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं? वी नो प्रोबेबिलिटी, पी के नाम से लिख देता हूं मैं डबल टी, यानी कि वो क्या होती है हमारे पास? टोटल हमारे पास में क्या? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है, अपनी लिखेंगे। क्या होने वाला है हमारे पास? फेवर के अंदर कितनी है? एक ही तो है, ये देखो फेवर में कितनी है? एक है। पॉसिबल कितने हैं? चार। तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास, क्या डबल टेल आने के चांसेज हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है डबल हेड आने के कितने होते हैं, तो डबल हेड भी एक आता है। वो पूछ लेगा हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, तो हेड एंड टेल कितने आते देखो अलग अलग, तो टू होते, तो टू बाई फोर लिखा जाता, आंसर आता वन बाई टू। आगे होगी बात समझ में बच्चा लोग? चलिए आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हम इस बार क्या करेंगे, तीन कॉइन को टॉस करेंगे और उससे रिलेटेड बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास जो है वो ये है कि ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को तीन बार उछाला गया है। ठीक है, तो हमको पता लगाना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, और अल्टरनेटिवली हमारे पास हेड और टेल आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है। ये जो लाइन है ये शो कर रही है आपकी मार्जिन लाइन को, ध्यान रख लेना इस बात का। तो कैसे लिखना उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आता कितना है, मतलब ये भी होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। ध्यान रखना व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड वेयर टू राइट, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तीनों सेक्शन आपके टिक हो जाते हैं ना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कहाँ लिखना है, ये तीनों सेक्शन जब आपके टिक हो जाते हैं तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आते हैं बच्चे जी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अपने गौर करेंगे। कई बार क्या होता है बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन लिखने का वेट ठीक नहीं होता, तो उस वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कॉइन को तीन बार अपनों ने क्या किया, टॉस किया है, तो हमारे को पता लगाना है कि हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली आए उसके लिए कितने चांसेस होने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी कितने होने वाली है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इवेंट क्या है हमारे पास, लिख दिया करो फटाफट से, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ताकि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में है, आप तो आंसर लिखते हैं, आप क्वेश्चन थोड़ी लिखते हैं, तो इवेंट का पता लग जाए। क्या लिखा है, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, तीन बार, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं जब एक कॉइन को तीन बार अपने टॉस करते हैं, तो वो होते हैं टोटल एट। आप चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, या तो हो सकते हैं सर ट्रिपल हेड, या फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक है, या हो सकते हैं तीनों के तीनों टेल आ सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास टेल और लास्ट वाला हेड हो सकता है, बीच में हेड हो सकता है और स्टार्टिंग के अंदर हेड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप मान करके इसको लिख लीजिएगा, लिखने का वे आपको समझा दिया गया था लेक्चर टू के अंदर, तो वहाँ से आप इसको जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल फेवर के अंदर कितने हैं, क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए फेवर के लिए अपने पास, हमको चाहिए हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, पहले हेड आए फिर टेल आए, फिर हेड आए मतलब एक के बाद एक आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेड और हेड साथ में आ जाए, साथ में नहीं आने चाहिए वो चांस, यहाँ पे दो हेड साथ में आ गए, यहाँ पे दो हेड साथ में आ गए, यहाँ पे हेड टेल और हेड, ये अल्टरनेटिवली हो गया बेटा जी, ये टेल इसमें दो हेड साथ में, इसमें दो टेल साथ में, इसमें दो टेल साथ में, इसके अंदर हेड टेल और टेल हेड और टेल, ये लो दो, और ये डबल टेल साथ में। कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या कि एक बार हेड आ गया तो उसके जस्ट अगली बार हेड नहीं आना चाहिए, एक बार टेल आ गया तो उसके अगली बार टेल नहीं आना चाहिए। अल्टरनेटिवली का मतलब यही होता है कि अगर पहली बार अगर आपका हेड आ रहा है तो अगली बार टेल आना चाहिए, उसके अगली बार फिर टेल नहीं आना चाहिए, हेड आना चाहिए, अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है। आगे बात समझ में? तो इसी इस तरह से देखते हैं तो हमारे पास जो फेवर में आउटकम्स हैं वो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, या तो हो सकता है पहले हेड आ गया होगा फिर टेल आ गया होगा फिर हेड आ गया होगा, या फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल आ गया होगा।
तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी। अब आप जो वे लिखने का समझ में आ चुका है, अब फटाफट से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, वी नो डायरेक्ट लिख देगा फटाफट से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने लिखनी सीख ली हैं किस तरह से लिखी जाती हैं। हर एक क्वेश्चन में लिख करके दिखाया जाए ये शायद मुमकिन भी नहीं हो पाएगा, और फिर आपने क्या सीखा इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपने जो सीखा है उसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आंसर्स तो हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली लिख लो, ALTER NETIVLY। ठीक है, अल्टरनेटिवली क्या होने वाला है हमारे पास, टोटल फेवरेबल टोटल पॉसिबल। बच्चे इसको भी याद करने की ट्रिक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABCD में जो अपने देखते हैं अल्फाबेट के अंदर F पहले आता है तो F ऊपर आ जाएगा, P बाद में आता होता है तो P नीचे आएगा। ठीक है, बाकी मार्क्स के हिसाब पता ही है तुमको, 2 और 8 में से क्या आपके 8 में से 2 मार्क्स आ सकते हैं, तो उसी हिसाब से भी फेवर में 2 हैं, पॉसिबल 8 हैं। कहने का मतलब 1/4 जो होगी ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास किसकी, हेड एंड टेल के अल्टरनेटिवली आने की। आगे बात समझ में बच्चा जी? ठीक है, अगर किसी ने पूछे डबल 2 टेल साथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 टेल साथ में कहाँ कहाँ पे आते हैं चेक कर लो बेटा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 2 टेल साथ में इधर है, इधर भी है, और इधर नहीं है, इधर है, 3 जगह पे है, तो 3 जगह पे तो 3/8। ठीक है, सारे है कितने, 8, उसमें से अपने को जो चाहिए वो कितने, वो 2 थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो 2/8 हमने लिख दिया और हमने अपना आंसर निकाल लिया। आगे होगी बात समझ में? कॉइन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे हम वो कर चुके हैं। ठीक है, अब हम स्विच करेंगे कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, जब 1 डाई है तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और जब डाइस 2 हैं हमारे पास तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसको देख करके दिमाग के तोते उड़ जाएँ, ठीक है, फ्यूज़ उड़ जाएँ, ऐसा कुछ सिस्टम अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन होगा तो होने देंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, चलते रहो, फिर आगे चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डाई का, आज के सेशन को उस डाई के 1 डाई के क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। उससे नेक्स्ट जो सेशन हमारे पास आएगा, नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि 2 डाई को एक साथ थ्रो करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, और उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। फिर हम बाद में कुछ और जनरल क्वेश्चन करेंगे जिनके अंदर एक नंबर सीरीज आपको दी जाएगी, उसके अंदर बताना होगा लीप ईयर नॉन लीप ईयर है, उसके अंदर संडे कितने होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर लिखा है उसने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इन थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को अगर थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पहले इवेंट के बारे में सोचिए। इवेंट क्या दिया आपको, इवेंट है वो हमारे पास जो है वो है कि एक डाई को थ्रो करना है। तो कहने का मतलब हम चलते हैं अपनी सेकंड लेक्चर के अंदर, वहाँ पे सोचा था कि एक डाई को जब थ्रो करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि डिनोमिनेटर में जो हम लिखेंगे वो कितना बनता है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बनता है 6, याद होगा आपको अच्छे से। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बनते हैं एक डाई को थ्रो करने पे वो कितने हो सकते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें से अपने को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर चाहिए, तो पता लगा लेंगे कितने होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अपने। ठीक है, वैसे तो मन मन में आंसर आ जाएगा बेटा जी, देखो डिवाइड में 6 लगाना है और ओड कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में 3 होते हैं, कौन कौन से, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो 3/6, 1/2 इज द आंसर। ठीक है, चलो फिर भी लिख लेते हैं अपने। इवेंट हमारे पास है थ्रोइंग ए डाई, ठीक है, इवेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपने। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं एक डाई को थ्रो करने के अंदर, 6 होते हैं, वो कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए फेवर के अंदर कितने हैं, फेवर के अंदर क्या चाहिए, ओड नंबर चाहिए थे ना अपने को, तो पहले ओड नंबर लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, 1 होता है ओड, 3 होता है ओड, 5 होता है ओड, कितने हैं ये टोटल, 3 है। ठीक है, और मन के अंदर चलने वाले क्वेश्चन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर कितने हैं फेवर में, कितने थे टोटल, 3, पॉसिबल कितने, 6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1/2, दिस इज़ द आंसर। ओड नंबर क्या होते हैं बच्चों के जिन्हें उनको याद नहीं है तो थोड़ी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ODD 1, 2, 3, 3 जो होता है वो ओड नंबर होता है, 3 होता है तो 1 भी होगा, फिर 5 भी होगा, फिर 7 भी होगा, इस तरह से याद रख सकते हैं अपने। और ट्रिक याद करनी है कि इवन की, बच्चे कई बार कहते हैं सर इवन और ओड के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है, इवन के अंदर लेटर्स चेक करो, 1, 2, 3, 4, तो 4 यानी कि 2 मतलब कि 6 मतलब कि 8, ये सारे के सारे जो नंबर है ये सारे इवन नंबर होते हैं। आगे बात समझ में बच्चा जी? इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारे पास मान लीजिए कि ओड नंबर हो गया,
ठीक है। इवन नंबर का पूछ लेता तो इवन नंबर कितने होते हैं हमारे पास, 2, 4, 6 तीन होते हैं ना, तो 3/6 इसका आंसर भी कितना आता, 1/2। अगर मेरे से पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो कि खुद की टेबल से या एक से डिवाइड होते हैं, तो उनके अंदर देखेंगे तो प्राइम नंबर में हमारे पास लिख देता हूँ इधर साइड में, प्राइम नंबर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब भी आते हैं या वहाँ से याद कर सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता क्योंकि वो फिर से कैंसिल आउट हो जाता है 3 की टेबल से, कोई 1 से होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, बाकी से किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 और ये सारे के सारे होते हैं, ये प्राइम होते हैं। लेकिन हमारे पास तो टोटल पॉकेट के अंदर 1 to 6 के बीच में ही तो हैं, इसमें से ढूंढना है कि प्राइम कौन से हैं, तो 1 to 6 के बीच में प्राइम एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कहने का मतलब तीन ही तो हैं। जब हम एक डाई की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर भी 3/6, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/2, 50% चांस है आपके पास प्राइम नंबर आने के। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 5, नंबर देखो मोर देन और इक्वल टू लिखा होता तो 5 को साथ में लेते, इन क्वेश्चन ने कहा कि नंबर मोर देन 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 से ज़्यादा 5 और 6, 5 से ज़्यादा 6 है, मतलब एक ही है, टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। इस बात को समझ में आ गई होगी सभी को आपको। अगर उसने कहा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन और इक्वल्स टू 4 इन थ्रोइंग ए डाई, मोर देन और इक्वल्स टू 4, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 को भी काउंट करेंगे तो 4, 5, 6 3 आ जाएंगे उसके अंदर, सॉरी माफ कीजिए 3 आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो 3/6 लिखेंगे अपने, तो आंसर फिर से 1/2 खोलने वाला है। आगे होगी बात समझ में। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन बन रहे थे जो कि रिलेटेड थे हमारे पास किससे, प्रोबेबिलिटी के कुछ इवेंट्स के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अरे प्रोबेबिलिटी तो इतनी ईजी सा चैप्टर है कि हम बातों बातों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज किस किस के किए, हमने सबसे पहले चेक किया कि प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास, उस प्लेइंग कार्ड्स के अंदर कौन कौन सी हम जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, हमने उसके बाद में चर्चा और भी की, और भी चीज़ों के बारे में हमने पता लगाया, ठीक है। हमने उसके बाद में पता लगाया कि हम जब ये चेक किया क्वेश्चंस के कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स, कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए अपने एक और सेशन के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मोटिवेट होते हैं टीचर्स। और थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन गाइस। कल से हम थोड़े से और क्वेश्चन इसके करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, गुड बाय।